भाई देखो भाई कितने बजे 6:15 पर हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है द मसाला स्टोरी से। 1.87 मतलब 2 किलोमीटर लगभग पिकअप है और 5.7 किलोमीटर ड्रॉप है। चलो जल्दी से इसे पिक करते हैं। तो भाई पहला ऑर्डर हमारा डिलीवर हो चुका है। कितने बजे ये टाइम देख लो, 6:58, 1 घंटा लग गया यार। देख लो 43 मिनट इसे डिलीवर करने में लग गया। 7.6 किलोमीटर पिकअप एंड ड्रॉप मिलाकर था, जिसके हमें मिलते हैं 61 रुपए। तो देख लो भैया यो ऑर्डर आ रहा है 2.5 किलोमीटर पिकअप और 2.5 किलोमीटर ड्रॉप। तो देख लो भैया हमारा दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। 7:19 पर हमारा दूसरा ऑर्डर डिलीवर हो गया। देख लो 4.4 किलोमीटर था पिकअप एंड ड्रॉप मिलाकर, इसके में मिलते हैं 45 रुपए। करने का यही तो फायदा है। देख लो पाउल से आ गया, एम्बियंस मॉल जो है 2.2 किलोमीटर है। तो हमारा तीसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो गया। 7.7 किलोमीटर पिकअप एंड ड्रॉप मिलाकर था, जिसके हमें मिलते हैं 61 रुपए और टाइम हो रहा है अभी 7:57। 7:59 पर देख सकते हो हमारा आज का ऑर्डर नंबर 4। तो 8:55 हो रहे हैं, 55 मिनट हो रहे हैं और इस पे हमने पांचवा ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया और इसके हमें मिलते हैं पांचवें ऑर्डर के, ये भी देख लो पिकअप एंड ड्रॉप मिलाकर 6.2 किलोमीटर था और 25 मिनट इसमें डिलीवर करने में लग गए और हमें मिले हैं 53 रुपये। 8:55 ऑर्डर दिया और 8:57 में हमारा ऑर्डर आ भी गया। राजेंद्र ढाबा 400 मीटर पिकअप और ड्रॉप है 4 किलोमीटर। तो 9:36 पर हमारा हो चुका ऑर्डर नंबर 5 भी डिलीवर। 4.4 किलोमीटर इसका पिकअप एंड ड्रॉप मिलाकर था और 40 मिनट से डिलीवर करने में हमें लग गए। पांचवा छठा है, शायद छठा है यार। अच्छा जो भी हो यार, क्या दिक्कत है, अभी तो लास्ट पता चले जाएगा। देखो यार इस ऑर्डर में हो क्या रहा है कि यार 15 से 20 मिनट हो गए देख लो और अभी तक ऐप ओपन हो ही नहीं रहा। मैंने सोचा कि भाई मेरा नेट खत्म हो गया होगा, लेकिन जोमेटो के ऐप को छोड़कर बाकी सब कुछ ओपन हो रहा है। देख लो यूट्यूब ओपन हो रहा है अच्छे से, यूट्यूब में कोई दिक्कत नहीं आ रही। देख लो जोमेटो का एप्लीकेशन क्यों नहीं ऑन हो रहा यार, और ऑर्डर डिले हो रहा है। तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम ये ऑर्डर डिलीवर तो हुआ। 8.8 किलोमीटर, 40 मिनट लग गए और 71 रुपये इसमें कमाई हुई। टाइम देख लो 10:17 हो रहा है अभी। चलो देखो यार क्या होता है, आज तो बस नौटंकी हो रही है। देखो काके द होटल का ऑर्डर है 3 किलोमीटर इसका पिकअप है और 5 किलोमीटर ड्रॉप। ऑर्डर नंबर 8वां भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। देख लो 10:41 पर और इसमें हमें कितने मिलते हैं 62 रुपये, 7.3 किलोमीटर के 25 मिनट डिलीवर करने में लग गए इसे। 11:09 पर हमारा हो चुका है 9वां ऑर्डर डिलीवर, 4.1 किलोमीटर के मिलते हैं हमें 39 रुपये। तो भाई देख लो 11:39 हो रहे हैं और पिकअप एंड ड्रॉप मिलाकर था 6.6 किलोमीटर, आधा घंटा इसे डिलीवर करने में लग गया, 64 रुपये इसमें हमें मिले हैं। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट ऑर्डर। अरे आ रहा है, देखो कभी कभी होता है कि बजता नहीं है, एक सेट ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर आ रहा है, इसे क्लिक करोगे तो ऑर्डर बच जाएगा। ठीक है तो जल्दी से इसे लेते हैं, पिक करते हैं। तो देख लो भाई 12 बज रहे हैं और 12 बजे हमारी कमाई हुई है 39 रुपये, सॉरी 33 हुए यार। और कितना किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर था, 22 मिनट लग गए इसे डिलीवर करने में। हालत ख़राब हो जाती है यार। और बात करें आज की अर्निंग की तो देख लो अर्निंग भी आज देख लो, आज तो 400 का इंसेंटिव दिखा रहा है, लेकिन ये दिखाएगा इंसेंटिव, देख लो पहले आज का इंसेंटिव मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है आज सैटरडे है तो ये 8 बजे से 3 बजे या 4 बजे के बीच में करता है, तो आपको ये 400 का इंसेंटिव मिलेगा। कब, 15 ऑर्डर और 7 गिग्स पूरे करने के बाद, मतलब 4 बजे तक कंटिन्यू करना पड़ेगा तब जाके 400 का इंसेंटिव मिलेगा। नहीं भाई अपने को ये 300 या तो ये 350 वाला चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो कल देखो ये इंसेंटिव तो हमारा पूरा हो गया था, 8 दिसंबर है कि 7 ऑर्डर और 2 गिग्स पे 150 था, 9 ऑर्डर पे 3 गिग्स पूरा करो 200 था, और 11 ऑर्डर पे 4 गिग्स पूरा करने के बाद 250 था, और 14 ऑर्डर प्लस 6 गिग्स पूरे करते हो आप 6 बजे शाम से लेकर 2 बजे दिन मतलब सुबह तक, तो आपको 350 का इंसेंटिव मिलता है। तो ये मेरा अचीव तो हो गया था। अब चलते हैं डायरेक्ट अर्निंग पे। ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये लास्ट वाली इससे सेकेंड 1101 रुपये का जो दिख रहा है, तो 1101 और ये 342, ठीक है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन 125 रुपये ये अगले दिन का 7 तारीख का भी है इसमें 1101 में, तो 1101 रुपये ये हो गया
और 342, पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं पहले। 1100 1 रुपये 325, तो 1429 रुपये हो रहे हैं। 125 रुपये माइनस कर दो 125, तो अपनी कुल जो टोटल अर्निंग होती है 1304 रुपये की। कितने बजे? 6 बजे शाम से लेकर लगभग रात के 3 बजे तक मैंने काम किया, तो 9 घंटे में हमारी होती है 1304 रुपये की अर्निंग। तो 1304 रुपये की अर्निंग में माइनस कर दें हम 200 का पेट्रोल, ठीक है, जितना तो गया, फिर भी 9 घंटे में अपनी 1100 रुपये 1104 रुपये की अर्निंग हो रही है। 100 रुपये खाना भी कवर कर देते हैं, तो सब कुछ मोटा मोटी करने के बाद माइनस अगर हम 100 रुपये कर दें, फिर भी 1000 रुपये हमारे बच रहे हैं, खाना पेट्रोल सब कुछ करके, ठीक। तो ये तो भाई रात में करने का यही एक फायदा है, लेकिन रात में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, जैसे सैनिक फार्म हो गया और देवली रोड हो गया, दुर्गा विहार, ये सैनिक फार्म जो रोड जाता है इसमें तो आपको पता है कितना खतरा रहता है। तो कल रात में जो गया हूँ मैं, लगभग 2 बजे जो गया, लास्ट ऑर्डर जो था मेरा 2 बजे गया, तो लास्ट ऑर्डर मतलब अगर जो होता है आपको बहुत दूर भेजता है, तो मैं दुर्गा विहार भेज दिया यहाँ साकेत से, तो फिर मुझे मजबूरन 1 गिग्स और करना पड़ा। 3 बजे तक मैंने काम किया, तो JVTS गार्डन छतरपुर से वापस मैं आया यहाँ पर अपना चीनी, जो हुआ इतना सा भी अर्निंग था, ठीक है। तो 11 अगर 1000 रुपये बच रहे हैं तो ठीक है यार, जब बच रहा है तब काम करेंगे हम लोग।